हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपनी घर की लोकेशन या फिर अपनी दुकान की लोकेशन आप मैप पर शो कराना चाहते हैं तो किस तरीके से शो करा सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी गूगल मैप के लिए यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ गूगल मैप, इसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आपको बहुत सारी दुकानें या फिर स्टोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आकाश खाद भंडार, ठीक है, ये है। तो इस तरीके की जो लोकेशन है आप भी अपनी यहाँ पर शो करा सकते हैं, ठीक है। इससे यह है कि आपकी दुकान की बिक्री है वो भी बढ़ेगी और लोगों को पता भी चलेगा कि आखिर यहाँ पर यानी कि इस चीज़ की दुकान है और इस व्यक्ति के नाम से, ठीक है। तो आप किस तरीके से यहाँ पर अपनी लोकेशन शो करा सकते हैं, इसके लिए आपको नीचे आपको देखने को मिल रहा है ये प्लस का आइकन कोलैबोरेशन का, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऐड प्लेस, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम अपना प्लेस नेम डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ प्रेम शंकर होम, उसके बाद में आ जाता है कैटेगरी, आप की यानी कि जो किस तरीके की कैटेगरी आप यहां पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि शॉपिंग से रिलेटेड या कोई सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं या फिर होटल है आपका, तो मैं यहां पर शॉपिंग से रिलेटेड कर देता हूं। उसके बाद में शॉपिंग में जैसे कि किस चीज़ की दुकान है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कॉस्मेटिक शॉप, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है एड्रेस, तो एड्रेस में आप यहाँ पर नेम डालेंगे जैसे कि किस जगह, ठीक है। तो वो अपना यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है और एड्रेस आपको क्या डालना है, यहाँ पर लोग गलती करते हैं, ठीक है। वो गलती क्या करते हैं, जैसे कि जो आपका एड्रेस है वो इंटरनेट पर मौजूद है, ठीक है, तो वो ही आपको डालना है, वरना आपका यहाँ पर लोकेशन है वो सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बकैनिया। उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में एडिट मैप, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी लोकेशन देखने को नहीं मिल रही है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर ऑन होना चाहिए, ठीक है, तभी ये काम करेगा, ठीक है। जैसे कि ये है तो आपकी लोकेशन अभी आप बैठे पर हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी लोकेशन आप यहीं पर ही सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी सेट कर देता हूँ इसे आकाश खाद भंडार है और ये मेरे घर की लोकेशन आ गई, ठीक है, यानी कि ये है। तो मैं यानी कि ये लाल वाला जो पॉइंट है वो हम यहीं पर ही रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद में हम यहीं पर एक बार टच कर देंगे और ऊपर में आपको ओके देखने को मिल रहा है लिखा हुआ, इस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल रहा है हॉर्स, तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर डे सिलेक्ट कर सकते हैं यानी कि ऑल डे रखना चाहते हैं या फिर आप अपना टाइम टेबल यहाँ पर बनाना चाहते हैं जो आपकी शॉप है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 AM है अभी, तो मैं यहाँ 7 कर देता हूँ। और तो ये हमारा अभी यहाँ पर ओपन टाइम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 7:30 बजे कर देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद में क्लोज टाइम, तो क्लोज टाइम है यहाँ पर 7 और उसके बाद में 7:30 भी कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है, यानी कि ऑफ़, ठीक है। कौन कौन से दिन रहेगी आपकी दुकान ऑन वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप सेव कर देंगे तो जो आपकी 7ों दिन के हिसाब से जो भी डेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपकी जो 7ों दिन के हिसाब से जो समय है वो तो आपको देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेव का ऑप्शन, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में जैसे कि वेबसाइट और आप यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे कि अबाउट वगैरह, ठीक है, तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा और जो आपकी लोकेशन है वो यहाँ पर यानी कि चढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में
उसके बाद में अगर आपको चेक करना है, चेक करने के लिए अपनी प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिल रहा है योर प्रोफाइल, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे में आपको देखने को मिल रहा है एडिट, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो जो आपकी लोकेशन है वो यहाँ पर यानी कि अपील सबमिट कर दी गई है और ये एक्सेप्ट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो आपका नाम है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपने जहाँ पर लोकेशन जो आपने पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट किया था वहाँ पर, ठीक है। जब भी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपकी लोकेशन देखने को मिल जाएगी, पर अभी देखने को ये नहीं मिलेगी क्योंकि इसे यानी कि अपडेट होने में 24 घंटे तक लग जाते हैं। तो आपको 24 घंटे बाद इस चीज़ के लिए चेक करना है और आप अपनी लोकेशन आप इंटरनेट पर ऐड कर सकते हैं मैप में, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।